हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो फॉरेन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जो कि इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा सब टॉपिक है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फॉरेन कैपिटल यानी क्या? जब भी किसी एक कंट्री को, मतलब हम कंट्रीज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक तो डेवलपिंग कंट्री एंड दूसरा है डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, सो हम देखते आए हैं कि जो भी डेवलप, मतलब पुराने ज़माने में जो भी राजा थे तो वो क्या करते थे, अपनी जो भी प्रजा है तो उनको मदद करते थे, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो उन तक पहुँच जाए इसके लिए क्या करते थे, प्रयास करते रहते थे। सो उसी तरह से यहाँ पे जो है कि डेवलप्ड कंट्री जो कि अभी बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है, तो ऐसी कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अभी ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है ये क्या करेगी कि अलग अलग कंट्रीज जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है उनको भी अपनी तरह डेवलप्ड करने में क्या करेगी, मदद करेगी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, सो फॉरेन कैपिटल ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी में आता है कि बेसिकली जो भी डेवलपिंग या डेवलप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको अपनी कंट्री की डेवलपमेंट या फिर नेशनल ग्रोथ करने के लिए हमेशा वो अपने ही कैपिटल पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, उस टाइम उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, फॉरेन कंट्रीज़ के कैपिटल की। ठीक है, सो ये फॉरेन कैपिटल हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने इंटरनेशनल मोड्स देखे थे, मतलब क्या कि फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए हम किस किस मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे था लाइसेंसिंग था, फ्रेंचाइजिंग था, जॉइंट वेंचर था, मर्जर्स एक्विजिशन था। तो इसी प्रकार से फॉरेन कैपिटल ये भी उसी का एक पार्ट है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल को रेज कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसकी वजह से हम हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि फॉरेन कैपिटल होता क्या है और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसकी क्या ज़रूरत है एक्चुअल में। तो बेसिकली जब भी हमारे यहाँ, मतलब अगर इंडिया है तो इंडिया को ग्रोथ करने के लिए इंडिया अपने तरफ से या अपना अपने पास जो कैपिटल है उससे तो क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर ही रही है, अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी डेवलपमेंट। ठीक है, बट यही क्या है, मतलब यही इनफ नहीं है, क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आगे है। ओके, उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो तो ज़्यादा है ही, बट टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर अलग अलग फाइनेंस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों में डेवलप्ड कंट्रीज़ हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगर उनके, मतलब ये जो है ये हेल्दी कॉम्पिटिशन हम मान सकते हैं, तो इस तरह से हमें इस हेल्दी कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए रहेगा, फॉरेन से मदद चाहिए रहेगी। सो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कैन शो वे फॉर डोमेस्टिक कैपिटल। ठीक है, स्पीडिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपिटल की वजह से रुकी हुई है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो, या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, चाहे कोई बिजनेस हो, इंडस्ट्री स्टार्ट करनी हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स का इनोवेशन हो, मॉडिफिकेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या चाहिए, फॉरेन कैपिटल। फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो भी अलग अलग बिग बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। सो वो हमें कहाँ से मिल सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज से मिल सकता है। ब्रिंग्स इन टेक्निकल नो हाउ, जैसे कहा ना अभी की टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना और इतने रैपिड पेस में चलना पॉसिबल नहीं होता है। सो हम क्या करते हैं, फॉरेन से टेक्नोलॉजी या तो अडेप्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्ट करते हैं, या फिर उनसे कैपिटल या फाइनेंस लेके हम हमारे यहाँ पे वो सेम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। बट दोनों केसेस में हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज और एक्सपीरियंस,
ये हमें कहाँ से मिलेगा, जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, कि अगर कोई टेक्नोलॉजी या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी हो, कोई प्रोडक्ट का इनोवेशन करना हो, कोई इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन करना हो, इन सारी चीज़ों पे हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, यानी कि एक्सपर्ट का नॉलेज। इसके बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्री को अलग अलग एरियाज में, अलग अलग फील्ड्स में डेवलप कर सकते हैं, और जिसके थ्रू उसका इफेक्ट जो है वो हमारी एंटायर कंट्री के ग्रोथ पर पड़ेगा। सो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, अगर हमें कोई एक्सपर्ट फॉरेन से बुलाना हो तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस या कैपिटल चाहिए रहेगा। उसके बाद टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। अभी जब फॉरेन कैपिटल, मतलब कि जब फॉरेनर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, अलग अलग बिजनेसेस में, बैंक्स में, ठीक है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है, या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिग बिग प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। सो वो यहाँ पे आके क्या करते हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो यूज़ करते हैं, हमें मतलब हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, तो डोमेस्टिक मार्केट के पास कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेस फुल अवेलेबल है, बट उसका यूटिलाइजेशन, सही इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो ये कैपिटल हम फॉरेन से क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। उसके बाद डेवलप बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कि जैसे हमारी बैंक्स है, अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेड मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स यानी स्टॉक मार्केट्स है, तो ये सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हमारा जो भी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट है, तो ये लंदन का जो भी मनी मार्केट या स्टॉक मार्केट्स है, तो उससे बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, मतलब इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कब हो सकता है इम्प्रूव, जब हमें, हमारे पास कैपिटल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैपिटल होगा तो हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस या फाउंडेशन जो है वो अच्छा बना सकते हैं, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का बना सकते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या होगा, जो भी शेयर्स या जो भी अलग अलग इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, और जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन यानी क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो अकाउंट होता है ये रिजर्व बैंक मेंटेन करती है, जिसमें हमारी कंट्री में कितना इम्पोर्ट हुआ और हमारी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसका रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ट्रांजेक्शन रिसिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सो रिसिट एंड पेमेंट, ये दो जो है कॉलम्स वहाँ पर होते हैं। तो ये जो है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, कभी इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि इनका जो बैलेंस है, तो ये कंडीशन अगर हमें इम्प्रूव करनी हो तो हमें क्या चाहिए, फॉरेन से कैपिटल चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कैपिटल का रोल क्या है, एग्जैक्टली ये क्या करता है, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, सपोज़ करो ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास इनफ नहीं है, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल के थ्रू इसको परचेस कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज से, या फिर फॉरेन कैपिटल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका सही इस्तेमाल, मतलब कम भी अगर हो तो उसका सही इस्तेमाल करके हम हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेसमैन अगर हो, या फिर कोई एक पर्सन हो, ठीक है, वो बिजनेस कब स्टार्ट कर सकता है, जब उसके पास इनफ फाइनेंस या कैपिटल हो इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में, तभी वो बिजनेस करने की रिस्क ले सकता है। अगर उसके पास अच्छा कैपिटल या फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं है, तो वो बिजनेस करने की रिस्क क्यों लेगा, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, शुरुआत में प्रॉफिट होगा या नहीं इसकी गारंटी होती नहीं है। सो ये जो रिस्क है, तो वो कब ले सकता है, ओनली इफ ही हैज़ इनफ फाइनेंस। सो कंट्री के केसेस में भी यही होता है, कि अगर कंट्री के पास इनफ फाइनेंस अवेलेबल है, तो वो अलग अलग बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में क्या कर सकती है, रिस्क ले सकती है, अगर फॉरेन कैपिटल अवेलेबल हो तो। टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसको इम्प्रूव करना, ये भी फॉरेन कैपिटल के थ्रू होगा। हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं हम, मतलब चाहे वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये हम कैसी प्रोवाइड कर सकते हैं कंट्रीज़ के पीपल्स को, हाई स्टैंडर्ड्स। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं,
ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कम होने की वजह से हम हमारा प्रोडक्ट जितना उसको मार्केटिंग होना चाहिए, जितना उसको एडवर्टीज करना चाहिए उतना हम कर नहीं पाते हैं, और वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही पॉपुलर हो पाता है। फॉरेन कैपिटल के थ्रू हम इसको आउट ऑफ बॉर्डर या आउट ऑफ कंट्री भी ले जा सकते हैं। रिड्यूसेस ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट मतलब ट्रेड से जो भी नुकसान होता है वो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एंड कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है। अभी ये कंपटीशन इंक्रीज कैसे होगा, अगर फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ पे आएगा, कंट्री हम लेंगे, तो कंट्री क्या करेगी कि कॉम्पिटिशन में उतरेगी। इसका मतलब क्या कि डेवलप कंट्री को एज अ आइडॉल बना के वो क्या करेगी, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके जो भी डेवलप्ड है वहाँ पे रिसर्च करेगी कि वहाँ पे क्या अलग अलग ट्रेंड्स चल रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट रिलेटेड हो, मार्केट रिलेटेड हो, या अलग अलग कस्टमर का जो भी इंटरेस्ट होता है, कस्टमर की चॉइसेस रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो ये सारा रिसर्च करेगी। और हम क्या करेंगे, उसी तरह का, मतलब उसी तरह का या फिर उससे थोड़ा अलग या फिर उससे थोड़ा बेटर वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या कि हम भी उस कंपटीशन में उतर सकते हैं, सो कंपटीशन इंक्रीज होगा। अभी जो भी फॉरेन कैपिटल है उसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि फॉरेन कैपिटल जो है वो किस तरह से हम ला सकते हैं कंट्री में। पहला तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ है वो हमारे यहाँ पे, जो भी हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उसमें इन्वेस्ट करेगी, या फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे आगे उसका अलग बिजनेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इस तरह से। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इसमें अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ इंक्लूडेड होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, सो इसमें इन्वेस्टमेंट करती है बाकी की जो कंट्रीज़ है वो। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो सकती है, मतलब वो कभी भी अपनी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब एक बार एक कंट्री ने कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कर दी तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसमें फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट का जो भी कंडीशन है या फिर जो भी फ्रीडम है वो नहीं होता है। FDI जो है वो होली ओन सब्सिडियरी है, ठीक है, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन। FDI मतलब क्या कि वो दूसरा देश, सपोज़ US जो है, US को अगर इंडिया में क्या करना है, अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सो होली ओन सब्सिडरी मतलब इसका कंट्रोल पूरी तरह से किसके हाथ में रहेगा, US के पास। उसके बाद जॉइंट वेंचर मतलब इंडिया की अगर कोई कंपनी हो तो उसके साथ जॉइंटली ओन करना उस पर्टिकुलर बिजनेस को, इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, मतलब दो कंट्रीज़ के दो बिजनेसेस एक साथ बिजनेस करेंगे पर्टिकुलर कंट्री में। उसके बाद एक्विजिशन मतलब US की कंट्री हमारे इंडिया की एक पर्टिकुलर कंपनी को क्या करेगी, एक्वायर करेगी, ठीक है, US की पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमारे इंडिया में क्या करेगी, कंपनी को एक्वायर कर सकती है। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद है FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से होता है, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये अलग अलग लोग कर सकते हैं या फिर अलग अलग जो बिजनेस ओनर्स है वो कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू, बट FPI जो है वो कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी सारी इंडस्ट्रीज कंपनीज है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मतलब इसमें नॉन रेसिडेंट NRIs भी इंक्लूड होते हैं जब उन्हें हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, अभी यहाँ पे दो टाइप्स है, जैसे पहला हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करेगी, दूसरा है कि GDR एंड FCCB। GDR यानी कि क्या कि जब हमें फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब बीच में एक फॉरेन डिपॉजिटरी होती है। डिपॉजिटरी यानी क्या कि हम उसको कैपिटल देते हैं, मतलब कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और वो हमें क्या करती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट मतलब हमें रिसिट प्रोवाइड करती है, और हमने जो कैपिटल प्रोवाइड किया है तो वो डिपॉजिटरी जो है वो हमें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे जाके वो कैपिटल क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। सो डिपॉजिटरी जो होती है वो एक मिडलमैन या इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती है दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। उसके बाद फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स यानी कि क्या कि जब भी कोई फॉरेन करेंसी है अगर उसमें बॉन्ड, उसको बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना है या
पर्टिकुलर कंट्री में जो भी कंपनीज है उसके। तो बॉन्ड्स मतलब क्या कि इस पे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एंड बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, डेब्ट कैपिटल होता है, ठीक है, फॉर द टेम्पररी पीरियड, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 साल के लिए, इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आफ्टर देन बेनिफिट्स, अभी FDI के क्या क्या बेनिफिट्स है, देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। पहले तो है कि इससे क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है पर्टिकुलर कंट्री की। क्यों? क्योंकि जब भी हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको हम क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, पर कैपिटा इनकम इसकी वजह से बढ़ता है, एंड अल्टीमेटली उसका जो इफेक्ट है वो नेशनल इनकम में दिखाई देता है। सो इस नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। उसके बाद है ट्रेड। जब भी फॉरेन से हम कैपिटल लेते हैं हमें किसके लिए मदद मिलती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में इनोवेशन लाने के लिए, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो नेशनल बॉर्डर्स है वो क्रॉस कर सके, सो हम फॉरेन मार्केट में भी एंटर कर सके, तो हमारा ट्रेड भी क्या हो सकता है, इससे ईजियर एंड स्मूथ हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल लेवल, अभी अगर डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन स्किल्स है, कोई भी जॉब स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, इम्प्रूव्ड होगा, मतलब हाई स्टैंडर्ड्स का या हाई लेवल का होगा। अगर वो कंट्री हमारे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो जब भी वो पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट करती है तो वहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, वहाँ पे जो भी स्किल्स अप्लाई किए जाएंगे तो वो किस तरह से होंगे, उनके हिसाब से होंगे। तो अल्टीमेटली अगर वो कंपनी हमारे कंट्रीज़ के लोगों को जॉब देगी तो अल्टीमेटली हमारे लोगों के स्किल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ। टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका हमें पता चलेगा, ठीक है, और उसके बाद नॉलेज जो है वो किस तरह से अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब ट्रेनिंग डेवलपमेंट के कौन से मेथड्स वो यूज़ करते हैं, सो ये सारी चीज़ों का जो भी नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज, वो हमें मिल सकता है। एंड लिंकेज एंड स्पिल ओवर टू डोमेस्टिक फर्म्स, मतलब क्या कि डोमेस्टिक फर्म को भी इससे एक क्या मिलेगी, मदद मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा ग्रो करने के लिए। और डोमेस्टिक फर्म्स जब डेवलप होंगी, चाहे वो जो फॉरेन फर्म है वो चली भी जाए, लेकिन डोमेस्टिक फर्म जो है वो उसकी सपोर्ट से क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है, सो जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ अल्टीमेटली बढ़ सकती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जैसे अभी कहा, उसके बाद कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम करने लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हाई स्टैंडर्ड की हो तो प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाला आएगा, एंड टेक्नोलॉजी हाई स्टैंडर्ड की हो तो मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, कस्टमर को बेच सकेंगे, सो कस्टमर भी उससे सेटिस्फाइड होगा कि हाई क्वालिटी विथ अ रीजनेबल एंड मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद रेजिलेंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो भी हम फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, लैंड, लेबर, मशीन, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें, तो उनका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया जा सकेगा, एंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल पाएगा। क्या क्या एडवांटेजेस है, ये भी इसी में भी क्या आएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ईजी इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसे हो जाएगा, स्मूदर हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी को बूस्ट कब मिलता है, ओनली एंड ओनली जब वहाँ के रहने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ता है, और वहाँ के कंट्री के जो लोग हैं वो हर एक उस इंसान वहाँ पे क्या हो, एम्प्लॉयड हो, तो ही उस कंट्री की ग्रोथ हो सकती है, तो ही उस कंट्री की पावर्टी रिड्यूस हो सकती है, तो ही उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो फुल्ली यूटिलाइज किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स, अल्टीमेटली स्किल्स के थ्रू, अलग अलग जॉब स्किल्स जो होते हैं, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, तो ये सारे स्किल्स का नॉलेज जब हमें एक्सपर्ट्स के थ्रू मिलेगा, फॉरेन लोगों के पास से मिलेगा, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है तो अल्टीमेटली उनके भी स्किल्स क्या होंगे, उन्हीं के लेवल के होंगे, मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन के थ्रू हम हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। टैक्स इंसेंटिव्स, मतलब गवर्नमेंट से भी हमें क्या मिलेंगे, टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के केस में। उसके बाद है रिसोर्स ट्रांसफ़र, मतलब अगर हमारे कंट्री में लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर प्रोवाइड करेंगे
और बाहर की, मतलब सपोज़ फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे लेबर जो है वो दूसरी कंट्री को इजीली चीप रेट में अवेलेबल हो सकते हैं। तो इंडिया क्या प्रोवाइड करेगी, यूएस को लेबर प्रोवाइड करेगी, एंड यूएस जो है, यूएस के पास फाइनेंस ज़्यादा है, तो यूएस हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफ़र किया जाएगा एंड यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हिंड्रेंसेस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब डोमेस्टिक अगर फॉरेन कैपिटल हमें मिल रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, फॉरेन मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में हम कम इन्वेस्ट करने को प्रेफर करेंगे। सो हिंड्रेंसेस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस, अलग अलग पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि हमने फॉरेन कैपिटल कलेक्ट किया या रेज किया भी, तो भी अगर उसको फुल्ली यूटिलाइज हमें करना है तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है कंट्री की वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो अगर हमें सारी जगह से मदद मिल भी रही है तो भी हम उसका अच्छे तरीके से यूज जो है वो नहीं कर सकते। नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन कैपिटल जब हम लाते हैं हमारी कंट्री में तो हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है, एक्सचेंज रेट भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कैसा होता है, निगेटिव होता है। हायर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि फॉरेन से हमने लाया है तो फॉरेन करेंसी या फिर उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, और हम जब वो कैपिटल हमारे यहाँ पे लाएंगे तो उसका कॉस्ट कैसा रहेगा, हायर कॉस्ट रहेगा, मतलब उनके कॉस्ट से या उनके रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स या उनके स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हमें हमारा कॉस्ट भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए हायर कॉस्ट, इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी एंड एक्सप्रोप्रिएशन, सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दिए हैं, ओके। सो अभी लास्टली ये एक जो पॉइंट्स है कि FDI, FPI एंड FII, FDI का मतलब क्या, जो कंट्री सपोज़ ये इंडिया है, यूएस है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, यूएस जब हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पूरा का पूरा कंट्रोल यूएस के पास रहेगा FDI के केस में, फॉरेन डायरेक्ट केस में, ओके। उसके बाद FPI क्या, FPI मतलब कि ये जो कंट्रोल है ये FDI से कम रहेगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या रहेगा, फुल कंट्रोल, बट FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के केस में वो जो कंट्रोल है वो लेस दैन FDI रहेगा, ठीक है। और FPI में जैसे मैंने पहले भी कहा कि एंट्री एंड एग्जिट, कभी भी एंटर कर सकते हैं एंड कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपको, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पर्टिकुलर इतने इतने साल क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, नो, देर इज़ नो एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद है FII, FII मतलब क्या, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एंटिटीज़ किस लिए इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की सिक्योरिटीज़ है उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे रियल इस्टेट्स या रियल प्रॉपर्टी हो और अलग अलग तरह की जो असेट्स है उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, और इसमें पर्पज़ जो है वो कंट्रोल का नहीं होता है, ठीक है। इसमें पर्पज़ जो है वो सिर्फ क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि अगर हम कोई लैंड परचेस करते हैं तो किस लिए करते हैं, ठीक है, लैंड में हमें क्या मिलता है, कंट्रोल मिलता है, उस लैंड की ओनरशिप मिलती है, बट उसमें फ्यूचर रिटर्न्स भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि इक्विटी शेयर में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसमें कंपनी के ओनर बन जाते हैं एंड हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं, बट जब हम प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है कि हमें कंट्रोल नहीं चाहिए कंपनी का, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए, रेगुलर पीरियड में हमें क्या चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, ओके। सो इसी तरह से है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का पर्पज़, और इसमें भी फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट का जो है वो फ्रीडम रहता है। अभी फाइनेंशियल ईयर जो 21 है तो इसमें FDI सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी कंट्री ने किया है, सिंगापुर इज़ द टॉप फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके बाद है मॉरिशियस, ओके। बट और ऐसे कुछ सेक्टर्स है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस सेक्टर है, बैंक, इंश्योरेंस, उसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इसमें, उसके बाद जो आता है वो है कंस्ट्रक्शन, रबर के गुड्स, रिटेल ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद ड्रग्स है, इस तरह से।
यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ कि जो कंट्रीज़ है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें पहली कंट्री कौन सी है? सिंगापुर, जिसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में की है। उसके बाद है US, एंड आफ्टर देन मॉरिशियस। ये जो सीक्वेंस है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग सीक्वेंस रह सकता है। उसके बाद जो है एरियाज़ कौन से हैं, तो एरियाज़ में पहले तो है सर्विस सेक्टर, एंड मोस्ट पॉपुलर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, एंड आफ्टर देन फिर कंस्ट्रक्शन, रबर, गुड्स, रिटेल ट्रेड, ये सारी चीज़ें। जो भी स्टेट है वो कौन सा है? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, एंड उसके बाद है कर्नाटका। ओके, सो ये जो तीन स्टेट्स है इनमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। गुजरात में 37% है, महाराष्ट्र में 27% है, एंड कर्नाटका में 13% है। ओके, सो इस तरह से मतलब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे कंट्री को अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होता है कि जो भी स्टेट्स है वो तो डेवलप या उनकी ग्रोथ तो होती है, बट उसके साथ साथ ही हमारी कंट्री वो भी इकोनॉमिकली स्टेबल एंड डेवलप होती है। अभी आगे चल के इंडिया जो है वो क्या होने वाला है? एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन या हब आप बोल सकते हो होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये एक बेनिफिट है उनके लिए। और दूसरा जो बेनिफिशियल पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो इंडिया कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। ओके, सो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएगी। यंगर पॉपुलेशन है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इसी तरह से ये चीज़ें करनी है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स है, मतलब जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको जो भी सेटअप करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। देन अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, गाँव के बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। स्टेडी राइज इन रूरल कंजम्पशन लेवल, मतलब क्या कि रूरल मतलब जो भी गांव के लोग हैं तो वो अभी क्या कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल जो है वो अगर बढ़ रहा है तो वो भी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो जाएगी। बट अभी की जो सिचुएशन है कोविड की, तो उसकी वजह से कुछ बहुत से चैलेंजेस आए हैं गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो जैसे जैसे सिचुएशन स्टेबलाइज होती जाएगी उसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को जो है वो टारगेट करने वाले हैं। किस लिए? इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। सो आई होप आपको जो आज का वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, and thank you for watching the video. Stay safe, stay healthy.